वेलकम दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज बात करते हैं लेटेस्ट वीडियो से शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कानून की आवाज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों दोस्तों आज इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों आईपीसी 494 क्या कहती है, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी कर लेता है कोई व्यक्ति या लड़की तो उसे क्या पनिशमेंट मिलती है, क्या सजा मिलती है, इस वीडियो में आप देखोगे। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर पहली पत्नी होती होते हुए भी दूसरी शादी कर लेता है, उसके जीवन काल में दूसरी शादी कर लेता है, जिंदी होते हुए भी या जीवित होते हुए भी, तो उस व्यक्ति को इस 494 आईपीसी में सजा का प्रावधान है। क्योंकि पति या पत्नी जीवित होते हुए, या तो लड़का अपनी पति पत्नी जिंदी या जीवित होते हुए अगर दूसरी शादी करता है तो वह भी 494 का दोषी पाया जाता है। अगर पत्नी पति जिंदा होता हुआ या जीवित होते हुआ भी अगर दूसरी शादी करती है वह भी 494 का की दोषी पाई जाती है। ये दोनों ही लड़के और लड़की पे लागू होता है 494। लेकिन 494 आपको कोर्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करके उस 494 को आपको साबित करना होगा, एविडेंस देनी होगी, प्रूफ देना होगा कि इन लड़का या लड़की ने दूसरी जगह शादी कर ली है। सारी चीजें आपको एविडेंस के तौर पे देनी होगी। अगर सारी चीजें आप प्रूफ कर देते हो तो उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता 494 का दोषी पाए जाने से। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर ए बी लड़का लड़की है, दोनों के अनबन हो जाने के कारण ए बी और दोनों एक दूसरों से अलग रहते हैं, वे दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन वो पत्नी वहां होते ही कहीं भी नहीं गई, दूसरी जगह नहीं जाती है, तो वो लड़का भी 494 का दोषी पाया जाता है। दोस्तों अगर लड़की भी ऐसा करती है तो वो भी लड़की भी 494 का दोषी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सारे सबूत आपको पेश करना पड़ेगा कोर्ट में। 494 पर FIR दर्ज नहीं होती, 494 आपको कोर्ट में, जिस थाने से संबंधित कोर्ट है उसमें आपको 494 की प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट कॉन्ग्लिजेंस लेगी, कॉन्ग्लिजेंस लेने के बाद उस लड़का या लड़की के खिलाफ आप वारंट जारी करेगी। अगर ये सारी चीजें आप प्रूव कर देते हो कोर्ट में तो उस के खिलाफ 494 बनने से कोई नहीं रोक सकता। और 494 में कितने साल की सजा है आप जानते हो कि 494 में 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई लड़का एक लड़की इस प्रकार के क्राइम करता है तो उसे 7 साल की सजा प्लस आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों कभी भी इस प्रकार के घिनौने अपराध ना करिए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध, इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज और है, अगर लड़का लड़की शादीशुदा होते हुए अगर लड़की कहीं चली जाती है तो लड़का अगर दूसरी शादी कर लेता है तो उसमें 494 नहीं बनता है। इसी प्रकार अगर लड़का दूसरी शादी लाने के बाद लड़की केस नहीं करती है, दूसरी जगह जाती है, तो भी 494 नहीं बनता, क्योंकि दोनों ने अलग अलग जाने अपने आप चले जाने से 494 नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे शादी सुधारते हैं, लेकिन दोनों ने अपने अपने जीवन से अलग होके दूसरी शादी कर ली, दोनों ने कोई केस नहीं किया। इसी के साथ साथ अगर 7 साल से ज्यादा कोई महिला अपने पति से अलग होती है तो वो लड़का दूसरी शादी कर सकता है, उसके खिलाफ कोई 494 नहीं बनेगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें।